सत्ता की शुरुआत ऐसे एक इससे शब्द से जो देश की राजनीति में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ये ट्रेंडिंग शब्द है मिट्टी में मिल जाएगा। देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर आज यही शब्द था। अपराधियों के मन में दहशत भर देने वाला ये शब्द आज कर्नाटक के बीदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर था। कांग्रेस की तरफ से दी जा रही गालियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहे उन्हें जितनी गालियां दें लेकिन वो काम करते रहेंगे और ये गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। यानी अपराधियों के बाद गालियों के मिट्टी में मिलने का अब नंबर है। कर्नाटक में पीएम मोदी आज विपक्ष को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने वाले मूड में दिखाई दिए। अगर शब्दों को फिल्मी अंदाज में बदल कर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी आज राजनीति के आग द फायर थे और उनका पूरा भाषण विपक्ष पर शोले की तरह बरसा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष के गाली वाले हमले पर गाली मीटर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गालियों की सूची 91 तक पहुंच चुकी है, पता नहीं और कितनी गालियां सुनने को मिलेंगी। वैसे तो महाभारत में 101 गालियों पर सुदर्शन चक्र चलने की कथा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जनता कांग्रेस और विपक्ष को उसकी भाषा के लिए दंड देने में देर नहीं लगाती। पहले अपशब्द से ही कांग्रेस को सजा मिल रही है और बार बार मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की जुबान इतनी ज्यादा फिसलती है कि नुकसान होना तय हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही इन गालियों पर हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें गाली, गाली की मात्रा और गाली के राजनीतिक असर पर डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मिट्टी में मिल जाएगा वाले ब्लॉकबस्टर भाषण के कुछ अंश सुन लेते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है, और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने का पुराना इतिहास रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक सब ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। किसी ने एक बार अपशब्द कहा तो कई ऐसे भी हैं जो बार बार पीएम मोदी पर निजी और अपमानजनक हमले करते हैं और किसी भी कीमत पर मानते नहीं है। कांग्रेस को कई बार इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान हो चुका है, लेकिन शायद कांग्रेस इस पर आत्मचिंतन नहीं करती है, या फिर उसे लगता है वो जो कर रही है उससे उसे राजनीतिक फायदा होता है। आज भी जब पीएम मोदी अपशब्द कहने के लिए कांग्रेस को घेर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस की इस गलती का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के कहे अपशब्द उनके लिए ऊर्जा का काम करते हैं। पीएम मोदी की इस बात में सच्चाई है और इसका आधार है आंकड़े। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुनाव में उनके लिए अपशब्द कहने की शुरुआत 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव से की थी। साल 2007 में सोनिया गांधी ने उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इसके बाद 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चायवाला कहा था। 2014 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच किस्म की राजनीति करने का आरोप लगाया था। 2017 में यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कह दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि चौकीदार चोर है। 2022 में गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की। अब कर्नाटक चुनाव में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को जहरीला सांप कह चुके हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए तो पीएम मोदी ज्यादा ताकतवर हो गए।
वो ज्यादा मजबूती से अपने काम में लग गए। बीजेपी पीएम मोदी को कहे गए अपशब्दों को मुद्दा बनाती है और उसे इसका राजनीतिक लाभ भी मिलता है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने किस तरह से पीएम मोदी को अपशब्द कहने की शुरुआत की थी और पीएम मोदी ने आज इसका कैसे जवाब दिया, इस पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, पहले वो देखिए। इसके बाद हम फिर से मिट्टी में मिल जाएगा वाले नए चुनावी नैरेटिव पर लौटेंगे। बताइए है कि आप गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी धर्म और मौत के सौदागर अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। भारत माता की इक्कीसवीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। को लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब निवेदन कब तिलकोंड्री मोदी अंदरे ವಿಷದ ಆವಿತಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಏ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಮೋದಿ ಗಾಲಿ ದೇತೆ ಹೇ ಉಪಹಾರ ಮಾನತಾ ಹೂ ಔರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಲಿ ದೇನೆ ಮೇ ಸಮಯ ಬರ್ಬಾದ ಕರ್ತಿ ರಹೇಗಿ, ಮೈ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಖಪಾತಾ ರಹೂಂಗಾ। वैसे तो हमने सत्ता में कई बार आपको कांग्रेस का गाली मीटर और उससे कांग्रेस को हुए नुकसान के बारे में बताया है। इन नुकसानों में कुछ नुकसान तो इतने बड़े हैं कि शायद कांग्रेस के लिए उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसको बार बार रिपीट करने से हमारे न्यूज मित्रों का समय बर्बाद होता है और हम मानते हैं कि हमारे न्यूज मित्रों का समय बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर कांग्रेस के हुए सबसे ताजा नुकसान की बात कर लेते हैं जिससे कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान है। वैसे तो राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं लेकिन उनकी इस राजनीति का कलेक्शन इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए एक अपशब्द के चक्कर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है और उनकी संसद की सदस्यता भी जा चुकी है। इस चक्कर में उनका बंगला भी छिन गया। अब सजा से बचने के लिए वो अलग अलग कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं लेकिन उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज भी राहुल गांधी को हुई सजा के मामले में सुनवाई हुई लेकिन राहत उनको नहीं मिली। मोदी सरनेम के अपमान के मामले में राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से राहत के लिए राहुल गांधी ने पहले जिला कोर्ट में याचिका दायर की और अब इस मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें आज पूरी हो गई। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार दोपहर को होगी। एक और राहुल गांधी और कांग्रेस की मुसीबत खत्म नहीं हो रही है, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के लिए जनता का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनावी रैली के बाद एक रोड शो कर रहे हैं जिसमें हजारों लोगों की भीड़ थी। जाहिर है ये भीड़ कांग्रेस नेताओं को चुभती होगी और वो पीएम मोदी पर आक्रामक हमला करने के चक्कर में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं और नतीजा ये होता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मिट्टी में मिल जाती है। अब शब्दों का इस्तेमाल और दूसरे की गरिमा को सहजता से ठेस पहुंचाते जाना एक ऐसी आदत है जो आसानी से छूटती नहीं है। ये कुचक्र है जिसमें पीएम मोदी के लिए विपक्ष की तरफ से अपशब्द बोले जाते हैं, इसके बाद मोदी का पावर प्ले शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री पूरी जान लगा देते हैं, बीजेपी की पूरी संगठन शक्ति पीएम के अपमान का बदला लेने में जुट जाती है और विपक्ष के राजनीतिक सपने मिट्टी में मिल जाते हैं।
इसके बाद हताश विपक्ष फिर से पीएम मोदी पर हमलावर हो जाता है, अपशब्द बोलता है और ये कुचक्र लगातार चलता रहता है। कांग्रेस को इस कुचक्र से बाहर जाने का रास्ता फिलहाल नहीं मिल रहा है। वैसे आज यूपी के एक और माफिया ब्रदर्स की उम्मीदें भी मिट्टी में मिल गई। कोर्ट से उन्हें 440 वोट का झटका लगा। रिहाई की उम्मीद करने वाले अंसारी ब्रदर्स के लिए अब सारे रास्ते जेल और बर्बादी की तरफ ही जाते हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई। अफजाल अंसारी अभी गाजीपुर से सांसद है। 2 साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अब अफजाल अंसारी की सदस्यता का जाना तय है। लेकिन आज सुनवाई और सजा से पहले इन दोनों माफिया भाइयों का गला एक बार जरूर सूखा होगा। धड़कनें भी बड़ी होंगी और डर भी उसी तरीके से लगा होगा जैसे कभी इनसे लोगों को लगता था। आज इन्हें सजा सुनने के लिए कोर्ट में पेश होना था। पिछले कुछ समय से पेशी के दौरान हुई घटनाओं के बारे में सोचकर इनका मन भी घबराया होगा। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसके बारे में सोचकर इन दोनों भाइयों के माथे पर चिंता की लकीरें भी बनी होंगी। कभी खुली जीप में अकड़ कर चलने वाला मुख्तार आज ये जरूर सोच रहा होगा कि उसके लिए जब कोई गाड़ी आए तो खुली छत वाली ना हो। हमेशा खुली छत में अकड़ और रौब नहीं बल्कि खतरा भी दिखता है। पिछले कुछ समय से कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे जो हुआ उससे ये डर हमेशा रहता है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सजा से पहले दोनों माफिया ब्रदर्स को बड़ी राहत इस बात की थी कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में इनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हालांकि ये राहत वाला माहौल कुछ ही समय के लिए रहा होगा। जैसे ही कोर्ट ने दोनों भाइयों को 10 साल और 4 साल की सजा सुनाई गई माहौल में फिर से मिट्टी में मिल जाने वाला डर दिखाई देने लगा। आज मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिलने के डर से कांप रहा है। लेकिन एक ऐसा दौर था जब उसकी गोलियों की गूंज से यूपी के पूर्वांचल में लोग कांपने लगते थे। मुख्तार अंसारी को जिस कृष्णानंद राय हत्याकांड में सजा हुई वो पूरा मामला 2005 का है। 2002 के चुनाव में कृष्णानंद राय ने अंसारी भाइयों को चुनाव में हरा दिया था। इसका बदला लेने के लिए मुख्तार ने कृष्णानंद राय को खुली सड़क पर मरवा दिया। AK-47 से करीब 400 गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना से पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत थी। FIR दर्ज हुई लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। लगातार मांग उठने के बावजूद सरकार CBI जांच कराने से कतराती रही। कृष्णानंद राय की पत्नी ने 2006 में दोबारा FIR दर्ज कराई। 2006 में जैसे ही जांच शुरू हुई इस मामले में गवाह शशिकांत राय की हत्या कर दी गई। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गों की पहचान कर ली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन किसी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2005 में मुख्तार और उसके भाई ने जो किया था अब 18 साल बाद दोनों जुर्मों का कानून हिसाब कर रहा है। हमारे साथ पीयूष राय मौजूद हैं गाजीपुर से। पीयूष जी एक बात बताएं कि आपके लिए कितना अहम दिन है आज का? मेरे लिए काफ़ी अहम दिन है क्योंकि आज जब न्यायपालिका का फैसला आया अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को लेके तो आज एक सिद्ध ये चीज़ गाजीपुर में साबित हो गई कि जो व्यक्ति अपने आप को गाजीपुर का गांधी कह के नारा अपने लोगों द्वारा लगाया था न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगा दी कि वो एक निमित गुंडे मात्र का है। और मेरा ये मानना है कि समाज के अंदर इसका स्पष्ट विश्लेषण होना चाहिए कि गुंडई के दम पे राजनेता ही नहीं चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि मैं इसके लिए पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्हीं के प्रबल दृढ़ निश्चय से और प्रबल इरादे का नतीजा है कि ऐसे अपराधियों और ऐसे माफियाओं के खिलाफ न्यायालय अपने न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो मुख्तार अंसारी एक खतरनाक और ऊंची पहुंच वाला माफिया रहा है। यूपी में ज्यादातर सरकारों में उसकी अच्छी पकड़ रही है। नतीजा ये रहा कि कई मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उस पर पुलिस हाथ नहीं डाल पाई। मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली देखें तो इस पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पहला केस साल 1988 में दर्ज हुआ था। 1997 में वाराणसी में कोयला व्यापारी की हत्या का आरोप लगा था। 2005 में मऊ में दंगा भड़काने का आरोप लगा। 2005 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा और ऐसे कई आरोप मुख्तार पर लगे। मुख्तार अंसारी न सिर्फ बड़े रसूख वाला माफिया रहा है बल्कि अकूत संपत्ति का मालिक भी रहा है। अलग अलग चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक मुख्तार अंसारी के पास
21.88 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। मुख्तार की पत्नी के नाम पजेरो गाड़ी है। मुख्तार के परिवार के पास 72,50,000 के गहने हैं। मुख्तार के परिवार के पास 27 लाख रुपए के हथियार भी हैं। मुख्तार की पत्नी के नाम पर 2.5 लाख की रिवॉल्वर भी है। मुख्तार एंड फैमिली के पास 3.23 करोड़ की कृषि भूमि है और 4.90 करोड़ की आवासीय जमीन भी है। करीब 12 करोड़ की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी मुख्तार के पास है। मऊ में एक घर के अलावा लखनऊ में 3 फ्लैट हैं। यहां कुल संपत्ति 1.70 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। एक वक्त था जब यूपी में 786 नंबर वाली खुली जीप पर सवार मुख्तार अंसारी जिस सड़क से गुजरता था लोग रास्ता बदल लेते थे। 20-25 एसयूवी गाड़ियां हमेशा उसके काफिले में चलती थी। बंदूकधारी हमेशा उसके साथ रहते थे। योगी आदित्यनाथ से मुख्तार अंसारी का पहला सामना या कहें कि टकराव 2005 में हुआ जब मुख्तार पर दंगे भड़काने का आरोप लगा और दोनों के बीच बयानबाजी हुई। इसके बाद गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया। 2006 में गोरखनाथ मंदिर से वो मऊ के लिए निकले लेकिन मऊ बॉर्डर पर दोहरी घाट में ही उन्हें रोक दिया गया जिसके बाद योगी वापस लौट आए। 7 दिसंबर 2008 में योगी आजमगढ़ में रैली के लिए जा रहे थे तभी उनके काफिले पर हमला हुआ। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए थे कि हमला मुख्तार नहीं करवाया है। इसके बाद अगले 10 साल तक सब शांत था लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और मुख्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया। मुख्तार को पहली बार डर तब लगा जब 10 जुलाई 2018 को उसके करीबी माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई। इसके बाद मुख्तार अंसारी खुद को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने की कोशिशों में लग गया और किसी तरह से पंजाब के जेल में पहुंचा जहां वो बड़े आराम से रह रहा था और उसे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था। मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने के लिए 26 बार प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया लेकिन उसे यूपी नहीं लाया जा सका। मुख्तार को वापस यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2021 में मुख्तार को वापस यूपी लाया गया। इस दौरान पंजाब जेल के बाहर व्हीलचेयर पर बैठे मुख्तार अंसारी की तस्वीर खूब वायरल हुई थी लेकिन यूपी में घुसते ही मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर छोड़कर अपने पैरों पर चलने लगा। हालांकि यहां उसके बुरे दिनों की ऐसी शुरुआत हो चुकी थी जिसमें अपराध की सजा मिलनी तय थी। इतना ही नहीं अब ना मुख्तार की मुख्तारी है और ना ही उसके गैंग का रौब। पिछले 6 सालों में मुख्तार गैंग की करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार की फरार बेगम आफशा अंसारी पर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी जेल में है यानी मुख्तार के बुरे दिनों की बड़ी पिक्चर अभी बाकी है और सीएम योगी की पुलिस जिस तरह से एक्शन मोड में है उससे यह तय है कि माफिया मुख्तार के साम्राज्य का मिट्टी में मिलना तय है। यूपी में अब जब माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है तो सवाल यह है कि मिट्टी में मिलाने वाली यह सोच आई कहां से। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की यह सोच सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम नरेंद्र मोदी से मिली। एक इंटरव्यू में खुद सीएम योगी ने यह कहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी चिंतित थे तभी उन्होंने सीएम योगी को अच्छी और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग का सुझाव दिया था। नतीजा यह हुआ कि आज अपराधी यूपी में कांपते हैं। मार्च 2017 में मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में काम करने का मतलब सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि यहाँ पे माफिया राज पैरेलल था। बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे और मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा एक और जनता के मन में विश्वास का माध्यम बन सकता है वह है पुलिस का फुट पेट्रोलिंग। जब पब्लिक के मन में विश्वास बढ़ेगा और पुलिस और पब्लिक आपस में एक मित्रवत संवाद करेंगे तो सबसे पहली चुनौती होगी वह होगी एक अपराधी और माफिया के लिए वह भयभीत होगा। और फुट पेट्रोलिंग मैंने प्रदेश के अंदर लागू हर सीनियर अधिकारी से लेकर के एक सिपाही तक हर एक क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग का हिस्सा बना। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अपनी एक सबसे बेहतरीन स्थिति में आज के दिन पर। और अब बात करते हैं सत्ता के खबर के असर की। कल हमने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर एक खबर दिखाई थी जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के बड़े महापुरुषों का अपमान किया था। ये खबर चलने के कुछ समय बाद ही बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांग ली। सत्ता में खबर देखने के बाद शायद बाबा को भी एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई और इससे सनातन के अनुयायी नाराज हो सकते हैं,
तो उन्होंने खुद को करेक्ट किया, गलती मान ली और माफी भी मांग ली। ये एक शुभ संकेत है। हालांकि कल जब हमने ये खबर दिखाई तो बाबा के समर्थक और भक्त नाराज हो गए थे। हमें सोशल मीडिया पर तरह तरह के अपशब्द सुनने को मिले, कई ट्रोल्स ने राशन पानी लेकर चढ़ाई कर दी, हमें हिंदू विरोधी भी कहा गया। लेकिन अब जब बाबा बागेश्वर ने खुद ही माफी मांग ली है तो उनके समर्थकों को भी ये सोचना चाहिए कि किसी व्यक्ति का कद सनातन हिंदू धर्म से बड़ा नहीं है। चाहे वो कोई धर्मगुरु हो या कुछ भी हो, सनातन की सत्ता सबसे बड़ी है। वैसे भी हमारा विरोध बाबा बागेश्वर से नहीं है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की स्थापनाओं के विरुद्ध कार्य करेगा, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा, तो हम उसका सच से सामना कराएंगे। याद रखिए, धर्म बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। और अब सत्ता में बारी है सेहतवर्धक कुंजी की, जो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए है। ये सिर्फ सत्ता की कुंजी नहीं है, बल्कि आपकी सेहत की कुंजी है, जिसमें रिसर्च है, सावधानी है और खास टिप्स हैं। सत्ता में बहुत सारे न्यूज़ मित्र होंगे जो फ्रिज में कई दिनों तक फल, हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स रखकर निश्चिंत हो जाते हैं। यहां तक कि पकी सब्जियां, बचे हुए दाल चावल, गुथा हुआ आटा तक रखकर सब कुछ छोड़ देते हैं। वो ये मान बैठते हैं कि गर्मी चाहे जितनी भी हो, फ्रिज में ये चीज़ें सुरक्षित हैं, सेहतमंद हैं। लेकिन US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस की एक जो माई फियरलेस किचन के नाम से रिसर्च आई है, वो बेहद चौंकाने वाली है, खासतौर पर उन न्यूज मित्रों के लिए जो कई दिनों तक फ्रिज में सामान को रखकर छोड़ देते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक फ्रिज के अंदर खाना रखने की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। आसान भाषा में समझें तो फ्रिज के में एक खास टेम्परेचर होता है, अलग अलग सामान रखने की एक एक्सपायरी डेट होती है, और एक्सपायरी डेट के बाद इसके इस्तेमाल से शरीर पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। इस रिसर्च की गंभीरता को समझते हुए हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की और फ्रिज के अंदर सामान रखने की सीमा पर साइंटिफिक तरीके से चर्चा की। आप गौर से देखिए और सोचिए कि क्या आप रोजाना ये फ्रिज वाली गलती करते हैं। कच्चे फल हो या सब्जियां, उनको स्टोर करने के लिए फ्रिज की जरूरत होती है, या बने हुए खाने की सामग्री हो, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, कटे फल हो, इनको स्टोर करने के लिए भी हमें फ्रिज की जरूरत होती है। लेकिन एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर तय समय सीमा से ज्यादा अगर आप इन चीजों को फ्रिज में रखते हैं तो ये आपके लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं। ये बनी हुई चीज अगर जैसे कड़ी है तो कितने दिन तक मैं फ्रिज में सही रह सकता हूँ? देखिए सुमन, ऐसा है, पहले तो बनी हुई चीजें जितनी जल्दी खाई जाए उतना अच्छा है। आप उतना ही बनाएं जितना आपको यूज करना है। फिर भी अगर कोई चीज बच जाती है तो आप पकी हुई चीजों को 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज आप रखें प्रॉपर तरीके से पैक करके रखें, एंड उसके बाद भी ये पेरिशेबल, जैसे पनीर हो गया, तो ये हमारा 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखना है। उबला हुआ आलू, जैसे अब आपको अचानक से जरूरत थी, आपके घर में मेहमान आ गए या ज़्यादा बन गया, तो उबला हुआ आलू हमारे पास बच गया, हमने इसे नहीं छीला है, तो ना छीलने की वजह से इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी क्योंकि कवर्ड है, तो इसकी पेरिशेबल लाइफ ऑटोमेटिकली एक दिन बढ़ जाएगी। तो इनको आराम से 2 से 3 दिन तक हम उबला हुआ आलू रख सकते हैं। जैसे ये तो सब होगा, लेकिन ये एप्पल अगर कट, मान लीजिए इसका आधा हिस्सा हमने इस्तेमाल कर लिया और आधा हिस्सा फ्रिज में रखना है, जैसे मैंगो का ही अगर हम देखें। देखिए फलों के मामले में मैं कहना चाहूँगी कि फलों को हमें काट कर तुरंत खा लेना चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रेश आटा गूंदिए, फ्रेश रोटियां बनाइए, उसके 2 कारण हैं। पहला, जो गेहूं में हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स हैं, वो हमारे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होंगे। जैसा कि अगर इस आटे को मैं बाद में यूज़ करती हूँ तो इसमें शुगर डेवलप हो गया है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो क्या करेगा वो, गैस्ट्राइटिस करेगा। मैंने धनिया को पैक करके रखा है पेपर में, है ना, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग कि आपने धनिया लेकर आए, आपने उसमें से खराब पत्तियाँ हटा दी और उसके बाद उन पत्तियों को रख करके आपने क्या किया, उसको एक पेपर में रैप कर दिया। मॉइस्चर का सर्कुलेशन होता रहेगा, जब मॉइस्चर का सर्कुलेशन होगा तो धनिया की पत्ती में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा, और जब उसको धनिया को ज़रूरत होगी तो उस पेपर से वो मॉइस्चर उसमें वापस आ जाएगा। आप आंख मूंद के ये भरोसा मत कीजिए कि कोई सामान फ्रिज में है तो वो हमेशा के लिए सेफ रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च आया उसमें इस बात का बाकायदा खुलासा किया गया है कि कितने दिन तक अलग अलग आइटम्स को रखा जा सकता है।
अब सवाल यह है कि फ्रिज में कौन सी चीज कितने दिनों तक रखनी चाहिए और कितने दिनों बाद फ्रिज में रखी सब्जियां, फल या फिर और प्रोडक्ट सेहत के लिए हानिकारक हो जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक मटर और बीन्स को फ्रिज में 3 से 5 दिनों तक रखना सेफ है। खीरा फ्रिज में 4 से 6 दिनों तक रखना चाहिए। बैगन को 4 से 7 दिन तक आप रख सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो फ्रिज में मशरूम की एक्सपायरी डेट 3 से 7 दिन की है। वहीं फूलगोभी की बात करें तो वो 3 से 5 दिन तक रख सकते हैं। गाजर 3 हफ्ते तक रख सकते हैं, जबकि बंद गोभी 1 से 2 हफ्ते तक रखना फ्रिज में सुरक्षित। फलों को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। रिसर्च की माने तो ऑरेंज या नींबू को 10 दिन तक रख सकते हैं। आम को 1 हफ्ता रखना सेहत के लिए अच्छा है। अंगूर को भी 1 हफ्ते तक रखना फ्रिज में ठीक रहता है। सेब की बात करें तो इसे फ्रिज में 4 हफ्ते तक रख सकते हैं। चेरी को फ्रिज में एक्सपायरी डेट 7 दिन की बताई गई है। तरबूज को बिना काटे 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखना सेफ है। अनानास को 5 से 7 दिन तक रखना ठीक है। उसके बाद बीमार करने वाले जीवाणुओं की चपेट में उसके आने का खतरा बन जाता है। तो जिस तरह फल और सब्जियों को लेकर रिसर्च में दावा किया गया है, उसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भी कहा गया है कि पैक्ड मक्खन को 1 से 3 महीने तक, हार्ड पैक्ड चीज को 6 महीने, सॉफ्ट चीज 4 से 7 दिन, व्हीट क्रीम जो होती है उनको 3 से 4 हफ्ते, बटर मिल्क या छाछ को 1 हफ्ते तक रख सकते हैं फ्रिज में। दूध को मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगी रखने का। उसको पहले उबालिए, उसको रूम टेम्परेचर पे लाइए, तब उसको रेफ्रिजरेट करिए। इवन सब्जियां भी जो पकाते हैं आप, अगर प्लानिंग है कि सब्जियां बच गई हैं और दाल बच गई है बनी हुई और आपने उसको फ्रिज में रखना है, तो पहले आप उसको रूम टेम्परेचर में लाएंगे। रूम टेम्परेचर में ला के तब आप उसको फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज को अपने भरे हुए मत रखिए हर टाइम। बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, उससे जो उसकी एयर है अंदर प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, उससे चीज़ें जल्दी खराब होंगी। अगर आपका फ्रिज ठुसा हुआ है, सब्जियां फल भरी पड़ी हैं, तो जल्दी चीज़ें खराब होने का रहता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे महाठग की जो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़ी बड़ी कंपनियों की आंखों में महीनों तक धूल झोंकता रहा, करोड़ों की ठगी करता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध चाहे कितना भी अपराधी शातिर हो, कानून के हत्थे वो जरूर चढ़ जाता है। संजय राय शेरपुरिया नाम के इस मशहूर महाठग का हाल भी यही हुआ। संजय शेरपुरिया अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। लखनऊ के विभूतिखंड में उसे गिरफ्तार किया गया था। आपको बताते हैं संजय शेरपुरिया कैसे ठगी को अंजाम देता था। चुनाव में टिकट दिलवाने के नाम पर नेताओं को ठगता था, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अफसरों को चूना लगाता था, बड़े बड़े रसूखदार लोगों से केस रफा दफा करवाने के नाम पर पैसा लेता था, जांच से बचाने के नाम पर उद्योगपतियों से पैसा वसूलता था, एनजीओ में करोड़ों के डोनेशन के नाम पर घपला करता था, कई शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करता था, अलग अलग आईडी कार्ड देकर ठगी करता था ताकि उसकी वास्तविक पहचान का पता ना लग सके, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर खुद की ब्रांडिंग करता था। सूत्रों की माने तो संजय शेरपुरिया के फर्जीवाड़े का कारोबार यूपी, दिल्ली और गुजरात तक फैला हुआ था। कर्ज नहीं चुकाने के मामले में उसे कई बैंक डिफॉल्टर घोषित कर चुके हैं। आपको बताते हैं कैसे संजय शेरपुरिया हाईटेक तरीके से महाठगी करता था। दिल्ली के जिस आलिशान बंगले में वो रहता था, वहां जो वो वाईफाई का कनेक्शन उसने लिया था, उसका नाम उसने पीएमओ यानी पीएम आवास रखा था, और वो लोगों को यही बताता था कि उसका काम पीएमओ से संबंधित है और ये आवास भी इसीलिए उसे मिला हुआ है। कहता था कि नेटवर्क में दिक्कत ना हो तो इसलिए पीएमओ वाले वाईफाई से कनेक्ट कर लो, इससे लोगों का रसूख और उसका वजन जो था वो और ज्यादा पड़ता था और वो फिर ठगे जाते थे। अब देश की और बड़ी खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप में। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड कल पूरे हो रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी से जमकर प्रमोट कर रही है। छत्तीसगढ़ में 10,000 जगहों पर 10 लाख से ज्यादा लोग मन की बात कार्यक्रम को एक साथ सुनेंगे। मुंबई से सटे भिवंडी में एक इमारत अचानक गिरने की वजह से हादसा हो गया। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। एक महिला और बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है। दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से मिले। केजरीवाल ने कहा कि देश के पहलवान बहनों के साथ गलत व्यवहार हुआ, जिसके कारण देश का नाम को रोशन करने वाले को इंसाफ के लिए धरना देना पड़ रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। हिरासत बढ़ाने को लेकर सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी साजिश कर ले, लेकिन वो दिल्ली में केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे।
राहुल गांधी मानहानि केस में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं। अब कोर्ट मामले में 2 मई को अपना फैसला सुनाएगा। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को कोर्ट ने दोषी ठहराने के साथ साथ 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। आईएसजी कृष्णैया की हत्या के मामले में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर कर उनकी रिहाई को चुनौती दी है। बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के बाद नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की है। अतीक अहमद और अशरफ के सहयोगी रह चुके गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक गुड्डू बमबाज के तार बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कोई बड़े सियासी कद का शख्स उनकी मदद कर रहा है। यूपीएसटीएफ मददगारों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ईडी रविंद्रन और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक केस की जांच कर रही है। ये मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने से जुड़ा है। भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में वीमेन ऑफिसर्स के पहले बैच को शामिल कर लिया गया है। चेन्नई की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 5 ऑफिसर आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो गई। चेन्नई के डीजी आर्टिलरी ने इस मौके पर कहा कि हमें उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला जो हमारी अधिकारी शामिल हुई हैं, वो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और अब आपको फ्रंट लाइन पर इसी तरीके से जवानों के साथ दुश्मन को लोहा लेती हुई नजर आएंगी।